खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। निशान जी, आप भाव को समझिए। जो बात यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब अल्लाह अकबर भी अगर कोई बोलता है तो ठीक है, उनका धार्मिक नारा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहकर अगर जय श्री राम नारे का सम्मान नहीं कर सकते सर, तो कहाँ उम्मीद की जाएगी इस नारे का सम्मान होगा। और क्या ये ममता बनर्जी की अब राजनीतिक मजबूरी है? और राजनीतिक मजबूरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी क्या चल रहा है सर, जुलाई में है अभी, अभी ममता जो है वो जय जगन्नाथ पर आ गई है, अभी आएंगे नवरात्र भी। उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि शायद नवरात्र आते आते ममता बनर्जी जय श्री राम पर भी आ जाए। मैं दो बातें साफ कर दूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, श्री राम इधर रह गए उधर नहीं गए। श्री राम खाली इस पॉलिटिकल बाउंड्री के हैं, श्री राम तो पूरे विश्व के हैं। ये मेरे बगल में तो मेरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको देखिए देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए जब तक बात पूरी, भारत में भी कि जी दक्षिण भारत में नहीं है वो, ये एक शब्द, ये एक शब्द, मैं वही समझाना चाहता हूँ, मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि जब हम श्री राम अकेले की बात करते हैं तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एजेंडा में प्रेम शुक्ला जी से बहुत प्रेम पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज, बीच में मत रोकिए, बीच में मत रोकिए, बीच में मत रोकिए। प्रेम शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई अगर नारे लगाता है तो क्या दिक्कत है, अल्लाह अकबर भी लगा सकता है। मैं जानना चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी कि अगर 50 लोग मिलकर के, 10 लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने अल्लाह अकबर लगा दे, आप बताइए दूसरे दिन क्या है? उस मिनट से चर्चाएं क्या शुरू होंगी? तो आप ये समझिए प्रेम शुक्ला जी, बंगाल में, गुजरात में, दक्षिण भारत में जय श्री राम का जो वक्तव्य है, जो ग्रीटिंग है, जो आपने आपस में बात करते हैं, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक सीमित है, कुछ हरियाणा में है और कुछ बिहार में, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे ये आम भाषा नहीं है, तो वहाँ पे परेशानी होगी। मैंने फैक्ट बताया, बाकी जो जय श्री राम नारा जो है साहब वो यूपी में चलता है, वो बंगाल में चलता है, ये तर्क दिया नहीं जा सकता। विजय जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद देखिए टीएमसी की तरफ से भी हमारे साथ पार्टी की समर्थक जुड़ गई है, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन पहले आप जल्दी से अपनी बात जी जी जी। समता, समरसता, समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहते सारा देश एक है, सब लोग रहने वाले एक हैं, हम जय श्री राम कहेंगे वो कम्युनल हो जाएगा। अगर हम वंदे मातरम की बात करेंगे वो भी कम्युनल हो जाएगा, हम भारत माता की बात करेंगे वो भी कम्युनल हो जाएगा, हम जय श्री कृष्ण बोलेंगे वो भी कम्युनल हो जाएगा। हमारा अरुण माहौर दलित नहीं होता है, इनका रोहित बेमौला दलित हो जाता है, यानी हम जो बात करेंगे वो कम्युनल हो जाता है। इसका मतलब है कि किस प्रकार का रंगीन चश्मा लेकर के ये बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, इसी पॉइंट के साथ मैं चलती हूँ सुदीप्ता रॉय चौधरी के साथ। सुदीप्ता रॉय चौधरी साहब, अगर जय श्री राम का नारा लगे तो फिर टीएमसी का उसमें राजनीति नजर आती है। आज ममता बनर्जी जय जगन्नाथ का जयकारा लगा रही थी, ये क्या था? सुनिए, जय श्री राम बहुत सालों से बीजेपी यूज कर रहा है और इसका पॉलिटिक्स भी राम से जुड़ा हुआ है। ये हिंदू धर्म को बस यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ये हिंदू धर्म को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। हिंदू धर्म से कोई लगाव इसके नहीं है, बेसिकली हिंदू धर्म कभी बोलते नहीं है किसी और नारे को मत पसंद करो, किसी और धर्म को मत पसंद करो, ये हिंदू धर्म का फिलोसफी नहीं है, पर ये लोग हिंदू धर्म को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो अब क्या ममता बनर्जी भी हिंदू धर्म को अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं? ममता दीदी भी क्या अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म को यूज कर रही है? अभी तक तो ममता बनर्जी को बड़ी आपत्ति हो रही थी, अभी तक तो ममता बनर्जी विसर्जन का समय भी बदल देती थी मुहर्रम के जुलूस की वजह से, अभी तक तो ममता बनर्जी इमामों को, मुअज्जिनों को पैसे देती थी और पंडितों को भूल जाती थी, है ना? अब क्या हो गया, अब ममता बनर्जी हिंदुओं को इस्तेमाल कर रही है? आप राम बोलेंगे तो हम काली बोलेंगे, हम जय तारा बोलेंगे, जय शंकर बोलेंगे, बोल सकते हैं ना? तो मतलब सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। सुनिए
सब राजनीति के लिए हो रहा है, आप ये कह रही हो, मान रही हो आप इस बात को? ममता 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 दीदी जब 2011 में पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत के आई थी, तब से ही वो ये रथ यात्रा से एक प्रोग्राम कर रही है, कलकत्ता में कर रही थी। इस साल वो महेश जाके महेश के पुजारी में शामिल हुई है। ये ऐसे कोई बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, इस बार लेकिन जरा यही जरा जोर शोर से हुआ है। ठीक है, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बार जरा ज्यादा जोर शोर से हो जिस तरीके से आपने कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, आरे आरे मैं लड़ नहीं रही हूँ आपसे, मैं लड़ नहीं रही हूँ, आराम से बात कर रही हूँ, आराम से जी, आराम से। मैं बीजेपी के पास चलती हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मैं बीजेपी के पास चलती हूँ। मैं प्रेम शुक्ला जी, जो बात सुदीप्ता जी यहाँ पर कह रही हैं कि साहब वो जय श्री राम बोलते हैं तो हम क्यों ना बोले जय काली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि 2019 चुनाव नतीजों से एक तरीके से सबक ममता बनर्जी ने ले लिया है और ये कोर्स करेक्शन ममता बनर्जी ने कर लिया है सर, चुनाव से फीडबैक लेकर, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सुदीप्ता रॉय कह रहे हैं कि आप जय श्री राम कहने जय श्री काली कहें, स्वागत है ना, लेकिन जय श्री काली कहने की बजाय जय श्री राम को गाली कहकर जय श्री राम बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गोली मार दी जाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। आप जय श्री राम कहने पे जय श्री दुर्गा कहें, जय श्री काली कहें, जय श्री कृष्ण कहें, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब आपको एक समझना है, देखिए चिल्लाइए रोमाना जी, मुझे लगता है कि हम एक स्वस्थ लोग बहस में बैठे हुए, क्या मैं इनके बीच में चिल्लाऊं तो बहस अच्छी होगी? रोमाना जी कृपा करके अब राम को आप हमें सुदीप्ता जी थोड़ी आवाज कम कीजिए सुदीप्ता जी की। सुदीप्ता जी, ये शो हम करते हैं संविधान की शपथ, मैम इसमें हम सब एक एक करके बारी बारी अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी का वेट कर लीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दे दें, आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। मुझे लग रहा है थोड़ा ऑडियो भी डिले है आपके पास जो जा रहा है। प्रेम शुक्ला बात रख दे, फिर आप जवाब दे देना, मैं आपको समय दूंगी। आइए प्रेम शुक्ला जी, देखिए जय श्री राम कहने पर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जो कर रही थी उनकी पिटाई करिए, उनको जेल में बंद कर दीजिए। आप जय श्री राम का जवाब जय श्री काली जय श्री दुर्गा करके दीजिए ना, किसी को आपत्ति नहीं है, सब इसको इसका स्वागत करेंगे। आप जिस इष्ट को मानते हो उसके नाम का नारा लगाइए ना, किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो तब होती है जब आप एक प्रतीक के साथ में विशेष अनुकंपा करती हैं, दूसरे के प्रतीक के खिलाफ आप राजनीतिक कार्रवाइयां करती हैं और आपका लक्ष्य सिर्फ एक समुदाय विशेष के वोट को बटोरना होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समुदाय के विरुद्ध काम करना और किसी समुदाय का तुष्टीकरण करना, इसका विरोध है और सुश्री ममता बनर्जी ने किया। वीर सावरकर जी ने 20वीं सदी के प्रथम पूर्वार्ध में कहा था कि एक बार हिंदुत्व की चेतना जागृत हो गई तो बहुत सारे सेकुलर लोग अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के टहलेंगे। श्री राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहन के टहले और आज सुश्री ममता बनर्जी ने भी किस तरह जवाब लेती हूँ जय जगन्नाथ जवाब लेती हूँ। सुदीप्ता, ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ और जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आप दर्शकों को इस बात का जवाब दीजिएगा जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला कि हिंदुओं की वोट की ताकत ममता को समझ आई, इसी वजह से हिंदुओं के लिए ममता जागी बंगाल में। सुदीप्ता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुदीप्ता जी, तुष्टीकरण के आरोप जो बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर लगाए जाते रहे, उन्हीं को गलत साबित करने के लिए जय जगन्नाथ का ये जयकारा? नहीं, आप अगर पहले का कोई तस्वीर ढूंढ सकते हैं तो आपको मिलेगा कि ममता बनर्जी हर साल ये पूजा करती है, हर साल ये पूजा होता है बंगाल में, बीजेपी का इस साल नजर में आया। और सुनिए, ये जो तुष्टिकरण के बात चल रहा है ना, आपको शायद पता होगा साचर रिपोर्ट के तहत बंगाल के मुस्लिम बहुत प्रॉब्लम में थे, तो उन लोगों को तो सपोर्ट कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए था का, इसीलिए ममता बनर्जी उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट के बंदोबस्त किए गए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट सचर रजन सचर रिपोर्ट। ठीक है जी,
ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अगर जो नारा है ना आप लोगों का सबका साथ सबका विकास, गलत आप एनर्जी अगर अगर बीजेपी वालों को ये गलत लगे, अगर बीजेपी वालों को ये गलत लगे तो लगने दीजिए। ठीक है, ये ठीक है, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, ये हिंदुस्तान, मैं फिनिश नहीं की। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आपने आपने पॉइंट रखा, मैं उसी का जवाब लेती हूँ। सबका साथ सबका विकास, उसी को आगे बढ़ा रही है ममता बनर्जी। आप लोग बेकार में तुष्टिकरण के आरोप लगा रहे हो सर। एकदम एकदम नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो करती तो ये आपत्ति ही क्यों होती। वो तो सबका विकास की बात करते समय, जब आप मुहर्रम के समय दुर्गा विसर्जन के जुलूसों को प्रतिबंधित कर देंगे तो कैसे विकास होगा।